इंटरनेट से पूछे जाने वाले टॉप 100 एमसीक्यू अभी करने वाले हैं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न विगत वर्षों से पूछे गए हैं, सीजी व्यापम में हो चाहे सीजी पीएससी में हो, पूरा का पूरा टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टोटल जितने भी इंटरनेट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूरा टॉपिक कवर करेंगे एक ही वीडियो में। पूरा इंटरनेट से जितने भी प्रश्न बनते हैं अंत तक वीडियो को देख के जाना। वेब अस्तित्व में कब आया है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, जापान। जो वेब है आपका अस्तित्व में आपका अमेरिका में आया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, जो ब्लूटूथ होता है हमारा, है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या संभव बनाती है? तो आपको वायरलेस डाटा ट्रांसफर में। तीसरा क्वेश्चन, ये आपको पटवारी 2021 में पूछा गया है, याद करते चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? याद रखना पूछा क्या गया, गूगल का प्रोडक्ट नहीं है पूछा गया है। एंड्रॉयड, iOS, क्रोम, जीमेल, इसका आंसर बी होगा iOS। याद रखना आपके पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया है सभी टॉपिक। ये भी आपका पटवारी 2019-2021 में लगातार दो बार पूछा गया है, ठीक। देखेंगे द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लानेट द स्पीड ऑफ इंटरनेट वॉस। इसका कहने का तात्पर्य है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट, NSFnet, VNet, इंटरनेट, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का जो बीज है उसको बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, अर्पानेट, ठीक। चलिए देखेंगे उच्चकृत शोध परियोजना अभिकरण, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके व्यापम में, पीएससी में, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी करे, चाहे पुलिस भर्ती की, चाहे पटवारी का, कोई भी एग्जाम का तैयारी करे, चाहे हॉस्टल वार्डन के क्यों ना करे, पूरा का पूरा टॉपिक इस अगर वीडियो में देख लेते हैं तो यहाँ से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। मैं बात करूँ उच्च शिक्षा शोध परियोजना अभिकरण की यानी कि अर्पा की, तो इस कास के लिए जो उत्तरदायी है आपका कौन सा है? वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल या इंटरनेट? इसका आंसर आपका क्या होगा जी? तो इसका आंसर डी होगा, इंटरनेट, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आप सभी को मालूम है विश्व का यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, VPN या WN या मल्टीटास्किंग 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व का पूछ रहा है मतलब इंटरनेट। अब इंटरनेट को क्या कह सकते हैं? इंटरनेट कह सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। और ये सभी इंटरनेट के उपयोगी हैं, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो हजारों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना होता है, करोड़ों डिवाइस से जुड़ा होता है। इंटरनेट, VPN, WN इसके अंतर्गत आते हैं। पहली बार आए क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यह क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को ढूंढ के एकत्रित करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक। 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करते हैं डेली तो आपको कितना क्वेश्चन करेगा? 30 महीने का 5 × 15 यानी कि 1500 क्वेश्चन होता है जी, है ना। अगर 1500 क्वेश्चन कर लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ कंप्यूटर का हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर में कम से कम आपका 25 नंबर यहाँ से कवर हो ही जाएगा, ठीक। विश्व भर में बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है या नेटवर्क या अर्पानेट या लैन कहलाता है? इसका आंसर आपका बी होगा, इंटरनेट, ठीक। किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोग होता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोग होता है ना? तो USA, चाइना, इंडिया, रूस। इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है आपका सबसे ज़्यादा होता है, कितना? 746 मिलियन में, ठीक है, 746 मिलियन में। एक बार आप याद रखना, चीन का 746 मिलियन है, नोट करते चलेंगे। चाइना का, उसके बाद आपका इंडिया का आ जाएगा इसका आधा, ठीक। मैं आपको पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 320 के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे, 391।
तो देखेंगे 2018 के आंकड़ों के अनुसार चीन के 746 मिलियन, भारत दूसरे नंबर में 391, तीसरा में अमेरिका 245 और चौथा ब्राज़ील 123 मिलियन और पांचवा जापान 117 मिलियन। ठीक, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटरनेट कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, बस आपको समय देना है, वीडियो को अंत तक देखना है, चाहे आधे घंटे की क्लास हो चाहे एक घंटे का। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, या रेल लाइन में रेल डब्बे के स्थान का निशान, या कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो इंटरनेट जो होता है सूचनाओं का तंत्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय का जाल होता है, तो इसका आंसर डी होगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया, इंफॉर्मेशन हाईवे। ठीक, यानी कि सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको कराते चलूंगा। ठीक है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, जो साधारण शब्द होता है नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक, याद रखना, साधारण शब्दों में नॉर्मल भाषा में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे YouTube के गुण के बारे में क्या गलत है। तो YouTube क्या क्या कर सकता है जी, देखेंगे, आप सभी को मालूम है YouTube से, तो YouTube से पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो YouTube सब क्या करोगे, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट क्लास लेकर आए हूँ आप सभी के लिए, एकदम सटीक क्वेश्चन। ठीक, तो YouTube, अब YouTube के मतलब कहने के तात्पर्य हम आपको क्लास करा रहे हैं, तो आप क्या किससे देख रहे हैं, YouTube से ही देख रहे हैं ना, YouTube से ही देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, YouTube से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो एनालिसिस नहीं कर सकते, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में सर्च कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते। और पूछा क्या गया है इसके बारे में, गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर गलत है, ये वाला इसका आंसर बी होगा। ठीक, YouTube के बारे में निम्न कौन सा कथन गलत है, अब देखिए YouTube, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, अब सबसे पहले इसकी YouTube में अपलोड कौन किया था, जावेद नाम का जो लड़का है वो अपलोड किया था। ठीक, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए YouTube पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था, जावेद करीम ने, जो 2005 में, याद रखना, जावेद करीम ने 2005 में YouTube का पहला वीडियो पोस्ट किया गया था। अब यहाँ पर फिर से पूछा गया है पहला YouTube पर वीडियो अपलोड कब किया गया था, 2005 में, तो इसीलिए मैं टॉपिक पूरा कवर कराते चल रहा हूँ। ठीक, YouTube किस वर्ष में बनाया गया, 2005 में, YouTube कब बनाया गया, 2005 में, पहला अपलोड जावेद करीम। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है, अब सही तरीका पूछा गया ईमेल एड्रेस का, तो नेम सबसे पहले क्या रखोगे, नाम आएगा, एट दैट, फिर वेबसाइट इन्फो, जैसे आप याद रखें जैसे किसी का नाम है, तो एट किसी का नाम, जैसे पिंकी रिंकी जो भी है ना, तो किसी का नाम जैसे मोहन, मोहन नाम लिखोगे, एट द रेट, फिर वेबसाइट 1, 2, 3 या इन्फो कुछ ऐसे टाइप डालोगे ना, तो पहले नाम आएगा, उसके बाद एट द रेट, या फिर उसके बाद आप 1, 2, 3 या स्पेलिंग जो भी वेबसाइट इन्फो डाल सको। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा है जो ईमेल एड्रेस का सही तरीका है, तो नेम, एट द रेट, वेबसाइट। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देश को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, अपोलो, इनसेट टू डी, इंटरनेट या निकनेट, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको आप याद रखना सी, इंटरनेट। ठीक, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना, तो प्रयोग किससे होता है, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या हैकर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में है ना, तो बिल्डिंग में लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। जब एक दूसरे उसको कनेक्ट करेगा लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसमें, हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक, इंटरनेट क्या है, तो आपको पहले ही बताया था, इंटरनेट मतलब सूचना को बाहरी कंपनी नहीं, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, ये पूरा आपका इंटरनेट कहलाता है, मतलब कोई भी संस्था मान लीजिएगा। ठीक, कोई भी संस्था के अंदर जो सूचनाओं के जो अंतरण रहता है उनके लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे अपने कर्मचारी द्वारा अन्य उपयोग के लिए
संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क, या निजी का मतलब होता है पर्सनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट या लैन, या इनमें से कोई नहीं, नेटवर्क इंटरफेस। तो इसका आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेट। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने का प्रयोग होता है SBI में। 2018 में पूछा गया, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंटरनेट हैकर, इंटर, ऑप्शन हो जाएगा ए। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है वो आपको वेब ब्राउजर है। यहाँ पर कमेंट ना करें, बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप यहाँ पर कमेंट बार बार ना करें, ठीक। अब देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो आपको बताया मैंने। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? जब इंटरनेट से सूचना लोगे तो कौन से एप्लीकेशन, यहाँ पर कमेंट ना करें, ब्लॉक कर दिया जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर बी होगा, वे ब्राउजर हैं जिससे हम एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से इसमें सर्च इंजन में शामिल नहीं है, सर्च इंजन से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा सर्च इंजन, ठीक है, पार्ट टू में सर्च इंजन रहेगा। तो सर्च इंजन किसे शामिल है? तो इसमें गूगल, याहू, बिंग। जबकि आपको क्रोम क्या है? ये आपका ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन, ठीक। निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? अब ब्राउजर पूछा गया है तो सफारी, सफारी क्या है? एक ब्राउजर है। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। लेकिन लिनक्स, विंडो, मैक ओएस, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक, सॉफ्टवेयर। वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास आवश्यक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जी, बताओ? कि वेब ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर है, ब्राउजर क्या है? तो मैं आपको बताया, ब्राउजर इंटरनेट पर पेज को सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्रोम एक ब्राउजर है। यहाँ पर कमेंट ना करें, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल गलती ना करें, ये लास्ट मौका था, आप इस बार करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा डायरेक्ट, आपको वीडियो भी नहीं मिलेगा, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये विकिपीडिया से संबंधित है, याद रखें, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो है आपका विकिपीडिया से संबंधित है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, ईमेल का जो आविष्कार है V.A. शिवा अय्यादुरई ने किया है, याद रखना। ईमेल की जो खोज किया है ना, मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले भारतीय है शिव अय्यादुरई ने, जब उन्होंने यह किया था, कितने साल के थे? 14 साल के थे वो, तब V.A. शिवा अय्यादुरई ने ईमेल आविष्कार किया, ठीक है। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किस आविष्कार से जुड़े हैं? तो ईमेल से, ठीक। अब देखेंगे ईमेल का प्रथम विकास किसने किया? अब ईमेल का पहला विकास रेड टॉमलिंसन, याद रखना, पहला विकास है रेड टॉमलिंसन। अब मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता, तो हॉटमेल, रेडिट मेल और याहू, ये सभी क्या है? पूरा एकदम फ्री है। अब यहाँ पर पूछा गया मुफ्त में ईमेल प्रदान नहीं करता, व्हाट्सएप से क्या होता है? व्हाट्सएप में आपको डाटा की आवश्यकता होती है, चाहे वीडियो कॉल करो, वॉइस कॉल करो या चैटिंग करो, आपको डाटा लगेगा, ठीक। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उनको क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं ना, तभी तो एक यहाँ से दूसरे स्थान जाएगा, आंसर बी। निम्न में से किस प्रकार की जो फाइल है उसको ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? तो आप याद रखना, ईमेल अटैचमेंट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटो सभी ईमेल एड्रेस में भेजा जा सकता है, क्योंकि उसमें ईमेल में भेजने की क्षमता 25 GB तक होती है, सॉरी 25 MB तक, ईमेल में आपको 25 MB तक होता है, ठीक। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आंसर ए होगा, ठीक है। ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन किसने किया था? रेड टॉमलिंसन ने। किसने? रेड टॉमलिंसन। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल निशुल्क है? अब निशुल्क पूछा गया जी, ठीक। तो निशुल्क क्या है? हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू, ये सभी निशुल्क है, जबकि व्हाट्सअप है ना, ये आपका निशुल्क नहीं है, उसमें डाटा की आवश्यकता होती है। वीडियो क्या है? निशुल्क नहीं है, इसमें भी डाटा की आवश्यकता होती है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो का मैसेज
भेज सकते हैं, ठीक है। चित्र संदेश जब आपके मोबाइल में इनबॉक्स रहता है, कितने दिन रहता है? पटवारी 2019 में पूछा गया, 30 दिन, मात्र 30 दिन, यानी कि 1 महीने तक आपका ईमेल बॉक्स में रहेगा, ठीक। इंटरनेट में ऑडियो वीडियो और सिग्नल, देखिए जब भी इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले करना आवश्यक है, क्या करना आवश्यक है? डिजिटाइजेट करना आवश्यक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक। चैटिंग के उपयोग होने वाला है, तो चैटिंग में क्या उपयोग हुआ? इंसर्ट मैसेंजर यानी कि गूगल टैल। निम्न में से कौन सा वेब सर्च इंजन है? वेब का जो सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका सफारी और फायरफॉक्स, आंसर डी। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? सफारी और फायरफॉक्स। निम्न में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं है? यह एग्जाम में कई बार 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसका आंसर पीरियड एट द रेट स्पेस से अंडर स्कोर, तो इसका आंसर होगा स्पेस, क्योंकि जो स्पेस होता है ईमेल का भाग नहीं होता, ईमेल में होता नहीं है स्पेस। सर्च इंजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? सर्च इंजन से वीडियो, डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइल, सर्च इंजन से बहुत सारे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि सर्च इंजन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो याद रखना गूगल, याहू, बिंग, ये सभी सर्च इंजन हैं, जबकि क्रोम और वीडियो सेम सब ब्राउजर हैं, ठीक। जीमेल द्वारा, जब भी जीमेल यानी कि ईमेल द्वारा जब भी आप भेजोगे, उसकी फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होनी चाहिए? 25 MB, आपको पहले ही बताया था, ठीक। सीडी का आपका 700 MB, सीडी का 700, डीवीडी का याद रखना 4.7 GB, ये सभी एग्जाम में पूछे थे, ये सभी सिंगल लेयर में है, ठीक है। जबकि ब्लू रेडिस का कितना? 25 GB, ब्लू रेडिस का 25 GB, ठीक। और एक टेराबाइट का होता है, उसका होता है 6 TB। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश को प्रदर्शित क्या करता है? जब भी आप ईमेल भेजोगे तो क्या संदेश प्रदर्शित करेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में विषय जिसके बारे में आप भेज रहे हो, है ना। तो एक ईमेल भेजने जैसा होता है, किसके जैसा होता है? जब भी आप ईमेल भेजोगे, लेटर आपको मालूम होगा, लेटर, लेटर मतलब पत्र लिखना, ठीक। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज एरिया जो होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र एरिया मेल बॉक्स। ईमेल का विस्तृत नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई कॉमर्स क्या है? आप सभी को मालूम है ई कॉमर्स, आप पढ़े भी होंगे। इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीदी और बिक्री, जब भी आप इंटरनेट पर सामान की खरीदी करोगे, बिक्री करोगे, बेचोगे, उन्हीं को ई कॉमर्स कहते हैं। निम्न में से ईमेल खाता नहीं खोला जाता, अमेजॉन में ईमेल खाता नहीं खोला जाता, जबकि यहाँ पर कमेंट ना करें, बार बार मैं बता रहा हूँ, जीमेल, याहू और रेडिट मेल, ठीक। अब देखेंगे इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, तो ओरेकल, क्योंकि गूगल, याहू और रेडिट मेल जो है ईमेल में सुविधा प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? सुविधा, ठीक, सुविधा प्रदान करता है, जबकि ओरेकल जो है सुविधा प्रदान नहीं करता, ओके। चलिए मैं बात करूँ इनमें कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है। तभी हमने देखा सीजी व्यापम में पूछा गया है, रिक्त स्थान का मतलब होता है स्पेस, ठीक, स्पेस आएगा इसका आंसर। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? तो एमएस आउटलुक की, ठीक। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? POP3। अब ठीक है, आप थोड़ा थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर लेकर आऊँगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ कुछ नज़र देखते चलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंटरनेट जीके मतलब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गूगलिंग क्या होता है? तो गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। POP3 यानी कि यह ईमेल को निकालने के प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, उसे माउस पोटोटो कहते हैं। PHP यानी कि कोडिंग भाषा होता है जो इंटरनेशनल वेब पेज को बनाने के काम आती है, ठीक। कुकी एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा ब्राउजर को दिया जाता है, टेक्स्ट फाइल संग्रहित करता है।
इच्छा के विरुद्ध जंक ईमेल, जंक ईमेल को स्पूफ कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। स्पैम का मतलब इच्छा के विरुद्ध। इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं जो जो एग्जाम में पूछा गया वही टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। इंटरनेट के पिता के रूप में विंट सर्प, यानी कि फादर, इंटरनेट के फादर ऑफ टेक्नोलॉजी विंट सर्प। जबकि भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के अन्य जो क्षेत्र हैं, W3C वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, यानी कि यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन कराया था पूरा पहला टॉप में, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इंटरनेट के लाभ और हानि देखेंगे, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे लाभ और हानि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इंटरनेट के कुछ लाभ और हानि है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या लाभ एग्जाम में पूछ सकता है, एक बार याद करके देखिएगा इसमें क्या शामिल है क्या नहीं। तो दूसरे व्यक्तियों को आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति है। दूसरा है, इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी भी संपर्क से बनाया जा सकता है। तीसरा है, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है। यह कंपनी के लिए कीमती संसाधन, जिस पर व्यापार, विज्ञापन, लेन देन सब एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उस सर्च से समय लगता है। अब इसकी हानि क्या क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे हानियाँ इंटरनेट की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है वायरस। दूसरा है, इंटरनेट पर भेजे गए संदेश को आसानी से चुराया जा सकता है, जबकि जानकारी जांची नहीं जा सकती, गलत हो सकता है, असंगत हो सकता है, अनैच्छिक अनुमति आपके कभी कभी दोनों पर किए जाते हैं। साइबर धोखेबाज क्रेडिट डेबिट कार्ड